नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय हाय बाबू भाई। बाबू, बाबू हाय। हाय हाय। ऊपर वाले की असीम कृपा है और आप लोगों की सुंदर खूबसूरत फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है, और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मेरा परिवार सुखी है और जिंदा भी हूँ। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के लिए ही बोलना चाहूंगा कि शुक्रगुजारी के पात्र आप लोग हैं। मुबारकबाद तो मैंने आप लोगों को देनी चाहिए कि आप लोग यदि नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता, तो कब का ही मर गया होता। मेरी जान आप लोगों ने बचाई, इसलिए मैं क्रेडिट अपने आप को नहीं, आपको देना चाहूंगा। फेलोशिप नहीं होती, हर मौके पर आप अगर हाजिर नहीं होते, मेरे हर जिंदगी के हर मोड़ पे आप उपस्थित नहीं होते, आपने प्रेरणा नहीं दी होती, आपने उत्साह नहीं दिया होता जीने का, तो मैं जीवित कभी नहीं रहता। और ऊपर वाले का तो शुक्रगुजार हूं ही कि ऊपर वाले का मेरे जीवन में बड़ा अच्छा प्लानिंग था कि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना चाहिए। देखिए ऊपर वाला कितना दयालु है, मैं ऊपर वाले को कभी नहीं मानता था, ऊपर वाले का हमेशा विरोध ही करता था कि अरे भैया दुनिया में कोई ईश्वर वगैरह होता नहीं, ऐसी मेरी शुरुआत में सोच थी। और ये बात मैं लोगों को भी बता दूं, बहुत बहस करता था लोगों से, लेकिन अब पता चल रहा है या फिर कुछ सालों के बाद पता चला है मुझे दरअसल मुझे ही ऊपर वाले ने भेजा है। भाई मेरा जीवन सुरक्षित हो जाए इसलिए मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहले से तैयार रखी हुई है ऊपर वाले ने। ऊपर से मुझे बाकायदा इतने कैरेक्टर डिफेक्ट लेके मैं जो चल रहा था, ऐसे हालात में भी यहाँ जीने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, ऊपर वाले ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ना केवल सिर्फ मैसेज दिया बल्कि टिकाए रखा। मैं मेरी मर्जी से यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, ये ऊपर वाले की मर्जी है। और आप लोगों ने बार बार मुझे यहाँ रुकने की एक प्रकार से आमंत्रण ही दिया है, तो इन सारी चीजों के कारण मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं तो बड़े अच्छे से एक इंसानी जीवन हम सब लोग जी रहे हैं। इसका सारा श्रेय जो जो है ना आप ही लोगों को जाता है। आप लोगों ने मुझे मुझसे वक्त वक्त के सारे काम करवा लिए, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा अदा जरूर करूँ। और मेरे जीवन की आज कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा कि शायद इसके पहले मैंने नहीं बताई। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले जब मेरा पहला बर्थडे था ना, पहला बर्थडे मैंने मनाया था आज से करीब 40 साल पहले, तो मेरे बर्थडे में अनिल डी समेत, शायद निक्की डी भी थे, एक ओझा करके मुंबई के मेंबर थे, मिल्टन एफ, शायद कुलदीप जी, इन सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी कुछ नाम थे जिनको मैं नाम भूल रहा हूँ। 8-10 लोग मेरे बर्थडे में मुंबई से आए थे। पहला बर्थडे था, उस वक्त मुझे ये भी नहीं समझता था कि मेरा बर्थडे कैसा मनाया जा रहा है। बिल्कुल अल्कोहलिक्स एनोनिमस नई नई थी, कुछ नहीं समझता था। और मुझे अच्छे से याद है कि इन सारे लोगों ने, हम लोग 10-15 लोग ही थे नए पुराने सब मिलके, और मुंबई से हुए 8-10 लोग, इन सब लोगों को अनिल डी ने और सब मुंबई के लोगों ने हमको खाना खिलाया था उस दिन। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एमएलए कैंटीन में ले जाके खाना खिलाया। अच्छा, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2-4 साल ऐसा चला था शुरुआत के दिनों में, मेरी ये तो पहला बर्थडे था, उसके बाद जो 2-4 साल मैंने बर्थडे मनाया, उन दिनों हम लोग बर्थडे बॉय से कोई पैसे नहीं लेते थे, ना चाय के, ना मेडल के, ना उसको कुछ मिठाइयाँ या कुछ ऐसा लाने के लिए कुछ भी नहीं, सारा खर्चा ग्रुप करता था। ये इतनी खूबसूरत बात थी,
एक मेंबर के लिए पूरा ग्रुप अपने खर्चे से उसका जो बर्थडे मनाता था वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आज की सिचुएशन फिर धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई, ग्रुप में पैसा नहीं रहने लगा, फिर बर्थडे बॉय को ही हम बोलते थे कि भाई आप अपने खर्चे से करो। आज इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी दिखता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिन लोगों के पास ये सब खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते ना, वो लोग बर्थडे ही नहीं मनाते, आते ही नहीं है मीटिंग में, और वो कोई बोले ना करके मीटिंग में आना भी टाल देते हैं, ये मैंने देखा है खुद। तो परिस्थिति कैसी बदलती है, कैसी बदली, ये मैंने मेरे आंखों से देखी है ये बात। और मुझे तो वैसे वो पुरानी चीजें ही अच्छी लगती है, नेचुरली मैं उन दिनों का मेंबर हूँ तो मेरे लिए किया गया, और हम सब लोग ग्रुप में पैसे जमा करते थे, किसी का बर्थडे है तो उसके लिए सारा सारा सारी व्यवस्था ग्रुप करता था, तो ये बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती। धीरे धीरे माहौल बदलता गया और आज की परिस्थिति आप सब लोगों के सामने। शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि मैं ना ईश्वर को मानता था, ना मैं किसी की बात सुनने के काबिल भी था, मेरी सोच ही सही लगती थी। एक ही चीज मुझे अच्छी लग रही थी कि ये सब लोग बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और ऊपर से मेरी ये सारी चीजें सुन भी रहे, जो किसी काम की नहीं थी उस वक्त, उन लोगों की किसी काम की नहीं थी, लेकिन इन्होंने संयम बनाए रखा था, सब लोग मेरी बात सुन रहे थे, मुझे कोई ये नहीं बोल रहा था उस वक्त कि भाई आप बराबर बात नहीं कर रहे, आपकी बात में कोई मतलब नहीं है, सच ये नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। मुझे लगता है कि यदि उन्होंने ऐसा बोला होता ना उस वक्त, तो मैं भाग गया होता, मैं रुका ही नहीं होता, मैं चला गया रहता और आज आप लोगों के सामने बैठा नहीं होता, जिंदा भी नहीं होता। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितना बर्दाश्त किया होगा उन लोगों ने मुझे, कितने साल, सालों से बर्दाश्त करते आ रहे थे। मैं बहुत अभी जैसे आप एक व्यक्ति मुझे नम्र बोल रहा था, एक मेंबर अभी शेयरिंग में बोल रहे थे कि मैं कितना नंबर होमवर्क, ऐसा नहीं है मित्रों, आपने मुझे पहला पहले का बाबू आपने देखा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत आक्रामक किस्म का आदमी हूँ, पहले से शुरुआत से सीधा सीधा अटैक ही करता था मैं, यानी शब्दों से, मैं सुनता ही नहीं था किसी की, मुझे कोई बात या उसकी नीयत खराब लगी सामने वाले की तो उसको सुनने से पहले ही आधी बात सुन के मैं अटैक ही कर देता था। इसके दुष्परिणाम भी हुए कि बहुत सारे लोग मुझसे दूर भी जाते थे, ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि ये चीजें मेरी बराबर नहीं है। कुछ वक्त ऐसे भी आए कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई बहुत हो गया, अभी अपन सोबर हो गए, शराब से दूर हो गए, दवा दम भी ले ही रहे अपन, तो अब मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी मुझे लग रहा था। लेकिन उन दिनों हुआ ऐसा था कि सबसे यंग मेंबर मैं ही था, मेरी उम्र 22-23 साल की थी, बाकी के सब मेंबर मेरे से बड़े थे उम्र में, तो जोश बहुत था, काम करने की इच्छा थी, और इसी कारण की वजह से मैं सोबर भी हो रहा था। मेरे पास एक नई चीज मेरे हाथ में लग गई थी कि मुझे ये पता लगा था इस सर्विस में कि यार मैं किसी को ये चीज जाके बता सकता हूँ, लोग सुनेंगे मेरी, क्योंकि बड़े काम की चीज है। एक्चुअली वो मेरी बात नहीं थी, वो ए का मैसेज था, ए का मैसेज मुझे सुनाने जाना था, मुझे सिर्फ पोस्टमैन का काम करना था, मेरे हाथ में जो यहाँ का मैसेज है वो देने का था दूसरे तक, और उसमें मैं इतना लीन हो गया कि फिर मुझे पता नहीं चला, मैं देता गया देता गया। उसमें भी कभी कभी थोड़ी कोई व्यक्ति आया नहीं, आया आ नहीं रहा इतनी मेहनत करने के बाद में। अच्छा, फॉलो अप का तरीका जो अभी है उस वक्त थोड़ा अलग तरीका था, हम लोग फॉलो वैसा देते थे, हम लोगों को सिखाया गया था, हम लोग यानी मैं तो बाद में नहीं किया ये सब, लेकिन पहले जो सिखाया गया कि जिस मेंबर को हमने 12 स्टेप किया उस मेंबर को सवेरे से वो जब तक रात को सोता नहीं कोई ना कोई फॉलो अप में रहता था उसके, अगर वो नौकरी करता है कहीं तो उसके ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति हम लोग खड़ा रखते थे, ड्यूटी रहती थी उसकी कि भाई ये कहीं पीने ना चला जाए। इसके
ये थे कि हमको डर लगता था कि मेंबर बढ़ नहीं रहे यार, 2 4 साल मेंबर ही नहीं बढ़े, हम उतने 6 7 6 7 8 10 मेंबर ही वहीं के वहीं वहीं के वहीं एक मीटिंग घूम रही थी और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो हमने ये नया तरीका ढूंढा था कि हम लोग उसको टोटल पूरा 100% फॉलोअप देंगे और वो कामयाबी भी काफी अच्छी मिली हमको। अच्छे से हम एक दूसरे के घरों पे जाके उनके परिवारों में मिक्स होके परिवार को भी ए समझा के हम लोग ए का काम बहुत अच्छे से करते थे। अभी थोड़ा इस बात के दुष्परिणाम हो गए, अभी लोगों को घर में आने देना बहुत मुश्किल हो गया। अभी खैर इस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन दोनों परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है, पहले की और अभी की। अभी आजकल कुछ कम ज्यादा होने लगा है तो इन सारी चीजों से हम लोग दूर हो गए, अभी घरों में जाना हम लोगों ने बंद कर दिया। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गया बताना आप लोगों को कि जो मेरे स्पॉन्सर थे विनय पी, आज उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। विनय पी एक ऐसी पर्सनालिटी थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो अनिल डी के स्पॉन्सर थे, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल, 3 4 लैंग्वेज भी जानते थे और सबसे अच्छी बात वो इतने बढ़िया इंसान थे और मैं हर चीज में उनको कैश करता था। यानी मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहा ना शुरुआत के दिनों में तो मैं उनसे जाके मिलता था, चाहे कुछ भी वो कितनी भी छोटी बात रहे। ऑफिस में मुझे किसी किसी ने कुछ मेरे बॉस ने या मेरे साथ वाले ने कर्मचारी ने कुछ बोल दिया ना और मैं डिस्टर्ब हो गया तो सीधा, मुझे तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी जैसे मैंने बताया आक्रामक पर्सनालिटी थी तो मुझे लगता था कि पी लेना चाहिए और इन लोगों ने एक ही लोगों ने वादा किया था कि भाई पीने के पहले हमसे मिलो तो मैं उसमें बेईमानी नहीं करना चाहता। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारे पास उस वक्त साइकिल हुआ करती थी, साइकिल, गाड़ियों का टू व्हीलर का भी जमाना नहीं था। तो मैं साइकिल से करीब 10 किलोमीटर उनका घर था, एक ही दिन में 4 4 बार उनसे मिलता था शुरुआत के दिनों। मैं मेरे ऑफिस मेरी ड्यूटी 8 बजे की थी तो मैं 7:30 बजे पहले उनसे मिल लेता था। सवेरे 7:30 बजे मिलके 15 मिनट 20 मिनट उनसे मिला कि मैं वापस अपने ऑफिस में आ जाता था। फिर दोपहर में मेरी ड्यूटी 12 बजे तक ही रहती थी, फिर 12 बजे के बाद 1 1/2 बजे के करीब मैं फिर उनसे मिलता था। उसके बाद में वो 4 बजे फ्री हो जाते तो फिर 4 बजे मिलता था और रात को भी मिलता था। मेरे पास भरपूर वक्त था, तो टेपिंग समझती नहीं थी, मैसेज कैसा देना है पता नहीं था, तो उनसे सारी छोटी छोटी चीजें अपनी शेयर करके उनसे बहुत सारी चीजें सीखता था। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जीवन का जो फलसफा है सही जीवन का, पूरा के पूरा मैंने उनसे सीखा। मुझे कुछ नहीं आता था, जीवन कैसे जीना, कैसे ये मैसेज देना, ए का ए में अपनी शेयरिंग कैसे करना, अपने आप को कैसे लोगों को बताना और लोगों की सुनना कैसे, कहाँ कहाँ मैंने चुप रहना चाहिए, ये सारी चीजें है ना मैंने उनसे सीखा। मैं आज शुक्रगुजार हूँ उनका, आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से वो अपने जमाने में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि मुझे ये जो मेरी मेडिसिन है बेचनी है एक डॉक्टर के सामने, ये इस मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रखना है और ताकि वो अपने पेशेंट को वो मेडिसिन दे सके और मेरी ये जो चीज है वो अच्छे से ज्यादा पैमाने में खरीद सके, ये उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो यही ट्रेनिंग उन्होंने मुझे भी दी थी। वो मुझे बताते थे कि अपने जीवन में अच्छे से अच्छी चीज हम कैसी ज्यादा बेहतर तरीके से ला सकते हैं, ये हमको देखना है, और वही अच्छी चीज पेश पेश कैसे कर सकते हैं हम, वो भी अच्छे से अच्छे तरीके से। ये बहुत बेहतरीन चीजें उनसे मुझे सीखने को मिली और धीरे धीरे उन्हीं के कारण मैं सारी चीजें कर पाया। जब मेरी शादी होने की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अपने बीवी को जाके बता दे कि तू एक अल्कोहलिक है,
बाद में जब पता चलेगा ना उसको कि तू एक अल्कोहलिक है, तो हो सकता है तेरे बारे में सारी जिंदगी के लिए रिजेंटमेंट आ जाए। और मैंने वैसा किया, जाके बताया कि भाई मेरा पिछला जीवन ऐसा रहा है एक अल्कोहलिक का, अभी मैं सोबर हूँ और सब अच्छे से चल रहा है। तो मेरी बीवी ने भी मुझे बोला कि भाई हमको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अल्कोहलिक देखा है, हमारे पिताजी भी अल्कोहलिक थे तो उन्होंने अल्कोहलिज्म देखा हुआ था। ये मुझे फायदा मिला, ईमानदारी से मैं बता पाया। और ये चीजें, यही ईमानदारी धीरे 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 ये मेरे जीवन में भी कैसी लागू करनी चाहिए, ये मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखा। जब तक वो जिंदा थे मैं बिल्कुल उनसे करीब करीब रोज ही मिला करता था, तो मैं उनका, उनके परिवार का, सिर्फ उनसे ही नहीं, कभी वो घर में नहीं भी रहते थे, ऐसा भी होता था कि उनके घर में वो नहीं है, तो उनकी बीवी, या फिर उनकी बीवी भी नहीं थी, उनकी बीवी टीचर थी सोमल लोहार स्कूल में, तो वो स्कूल में रहा करती थी, तो उनकी माता जी या फिर उनके पिताजी भी, जो कोई रहा मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। वो मुझे बच्चे जैसा ट्रीट करते थे, वैसे था भी मैं उम्र में बच्चा ही, तो बच्चे जैसा ट्रीट करते थे और मेरे सवालों के जवाब अच्छे से देते थे, मुझे समझा समझा के बताते। तो मैं उनके पूरे परिवार का शुक्रगुजार हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। मेरे बीवी को भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, उनके बीवी ने बताई, तो ये शुक्रगुजारी हमेशा मेरे दिल में कायम रहेंगी। उनका जो एक दर्जा है मेरे जीवन में से कभी नहीं जा सकता। तो मित्रों ये सारी जो चीजें हैं मैं धीरे 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 लेके आगे बढ़ता रहा, और जब स्टेप लेने की बारी आई तो मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज मुझे बोली थी, फोर्थ स्टेप में जब मैं जोरदार तरीके से अटक गया था और मैं पुरजोर कोशिश कर रहा था और ये बोल रहा था कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है यार, अपने जीवन का एक अच्छा जीता साला दिखने का, लोगों किसी ने पढ़ लिया देख लिया तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ऐसा मुझे बहुत लगता था। तो मैंने बहुत दिन लगा दिया उसको लिखने को, समझ में नहीं आता था, तब उन्होंने एक ही छोटा सा सेंटेंस बोला था जिसने मेरा, मेरे दिमाग को पलट के रख दिया। वो छोटा सा सेंटेंस ये था कि यार बोले बाबू, जो चीज तू करने के लिए नहीं डरा ना, तूने अपने जीवन में किया ये सब, वो लिखने के लिए डर रहा है यार, बोले कितनी बड़ी बात है। और किस चीज का डर है, तू तो कर चुका है ना, जो होनी है अब अनहोनी होने वाली नहीं है, सिर्फ तेरे को उसको सामने लाना है पेपर पे। और मुझे ये बात इतनी अच्छे से कन्विंस हो गई, मतलब बात सही है यार, जो हो चुका है अब उसको तो मैं रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिख तो सकता हूँ। अल्कोहलिक्स अनॉनिमस ने अब तक का जो मेरा अनुभव है 30वें कदम तक, बेहद बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। और अब जब चौथे कदम की बारी आई है तो मैं पतली गली पकड़ के भागने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मैंने नहीं करना चाहिए और लिखना चाहिए, इससे मैं कन्विंस हो गया। और फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने जल्दी जल्दी लिखा और इसके मुझे बड़े फायदे मिले। फिर मैंने, मेरे स्पॉन्सर बहुत ओपन माइंडेड थे, वो मुझे डर भी लगता था कि कुछ क्राइम भी मैंने किए हुए, अगर किसी एए मेंबर को मैंने ये सारी चीजें अगर बताई और वो पुलिस में चला गया तो जो चीज किसी को नहीं पता वो उनको पता चल जाएगी। तब उन्होंने बताया था कि तेरे को इससे भी डर लग रहा है फिफ्थ स्टेप से किसी मेंबर से लेने में, तो तू ऐसा कर सकता है कि कुछ हमारे फादर लोगों से हमारे संबंध थे तो तू उनसे जाके मिल सकते हो, उनको ट्रेनिंग होती है, वो किसी को नहीं बताते चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसा ही हुआ, फिर मैं एक फादर टोनी थे उनसे जाके मिला कि भाई आप मुझे मेरे फिफ्थ स्टेप स्पॉन्सर बनेंगे क्या, तो उन्होंने इजाजत दे दी और मैं उनके पास मेरी फिफ्थ स्टेप, जब मैंने फिफ्थ स्टेप ली ना तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी मैंने लिखा है उनके सामने बैठ के 1-2 घंटे में पढ़ के मैं सीधा 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 फटाफट बता दूंगा, और वो बोलेंगे कि भैया जाओ, भगवान ने तुमको सारे पाप माफ कर दिए और बात हो जाएगी खत्म, ऐसा मैं सोच रहा था। अगर ऐसा हुआ नहीं मित्र, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। तो उन्होंने बोला, एक ही स्टोरी जो पहली स्टोरी मैंने बताई, पहले स्टोरी पे उन्होंने रोका, बोला आप सुन तो लो पूरी बात, वो बोले बाद में सुनेंगे, तुम ये पहली स्टोरी के बारे में डिटेल बताओ। तो मैं वहां अटका और थोड़ा फिर से डर लगा,
अब यार ये और क्या क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने मेरी उम्र, वो जब मेरी वो मेरे हाथ से वो पहली गलती हुई, उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, मैं किन लोगों के साथ रहता था, कैसे लोगों के साथ रहता था, वो पढ़े लिखे थे कि नहीं, घर में उस वक्त मेरी परिस्थिति कैसी थी, ये सारी छोटी छोटी जो डिटेल उन्होंने मुझसे मांगी और मैंने फिर पूरे ईमानदारी से बताया उनको कि ऐसा ऐसा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को 3 4 दिन लग गए। उन्होंने फिर मुझे, और हम लोग एकदम 5 6 घंटे बैठते थे दोपहर में, वो अपना काम निपट के आते थे, मन रहा मेरे ऑफिस से अपना ऑफिस निपट के आता था, शाम तक हम लोग बैठते थे। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा कि इसमें भी मैंने बड़ी मेहनत ली, स्पॉन्सर ने बताया था कि ये बड़ी मेहनत की स्टेप है और इससे बहुत फायदे होंगे, तो फायदे के लालच में, लालच थी सोब्राइटी की, और ज्यादा सोब्राइटी मुझे मिलेगी यही लालच थी, और इसी लालच में मैंने ये फिफ्थ स्टेप ली। तो पता चला कि बहुत सारी चीजें तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मेरे फिफ्थ स्टेप में मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी चीजें अभी भी कर रहा हूँ जानबूझ के, मुझे मालूम है ये गलत है फिर भी मैं किए जा रहा हूँ, और जिसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं मेरे पे भी मेरे परिवार पे, इसको मुझे फौरन रोकना जरूरी है। ये मुझे वहां उस वक्त समझा जब मैंने फिफ्थ स्टेप ली, और वो जो मैं जिस लालच के भावना से गया था ना, वो पूरी हुई धीरे धीरे धीरे। हालांकि पूरी पर्सनैलिटी अपनी, अभी सुधीर भाई बहुत अच्छा बोलते हैं कि पुरानी आइडिया छोड़ के नए आइडिया को अपनाना इतना आसान नहीं होता, मेरे लिए भी आसान नहीं था, मेरी पूरी पर्सनालिटी, पूरा डिफेक्टिव पर्सनालिटी जो थी मेरी, पूरी सोच पूरी उल्टी थी, शुरू से लेके पूरे स्टेप को लेके भी, अल्कोहलिज्म को लेके भी। अल्कोहलिज्म जो बीमारी है, यह पहले तो मैं मानता ही नहीं था, जब मैंने मानना शुरू किया तो ये नहीं है वो नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें टालता था कि यार वो परिस्थिति की वजह से वैसा हो गया था मेरे यहाँ। ये चीजें मेरी जो टालने की मेरी मानसिक स्थिति थी, ये मुझे फिफ्थ स्टेप में आके पता चला कि अल्कोहलिज्म कितना पावरफुल हो सकता है और कहाँ कहाँ घुसा हो सकता है। मेरे जिन पूरे अल्कोहलिज्म का ही असर था मेरे पूरे जीवन पे, और अल्कोहलिज्म को जो जो मैं शराब से जोड़ रहा था ना, तो इस स्टेप के आते आते मुझे पता चला कि इन स्टेप से, इन मेरे क्या मेरे जीवन से मेरे शराब का तो कोई लेना देना ही नहीं है, शराब तो मेरी बंद हो गई, लेकिन असली प्रोग्राम तो अभी ये जो डिफेक्ट है जो मैं छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इसको अभी भी पकड़ के रख रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी मजा आ रहा है जीवन में, ये करते रहना चाहिए हमें, मैंने ये चलने देना चाहिए, क्योंकि रोक के करूंगा क्या जीवन में आगे, मुझे पता नहीं कि इसके इसको रोकने से क्या होगा, क्या मिलेगा। अभी मुझे इससे बड़े बड़ी मजा मिल रही है, बाकी का तो किसी को पता ही नहीं ना, मैं चुपचाप सारी लफड़े किए जा रहा हूँ, तो छोड़ने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता चला इस फिफ्थ स्टेप में कि अल्कोहलिज्म अपना स्वरूप कैसा बदलता है। पहले शराब के रूप में था, फिर लालच के रूप में, कभी औरत की लालच बाहर की, या फिर कभी इजी मनी, और इन दोनों से भी छुटकारा मिल गया ना, तो फिर मैं मुझे मान सम्मान की भी लालच कि मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, तेजी से मैं एक-एक काम पर तो भिड़ गया, स्टेपिंग बहुत तेजी से, रोज की 2 3 स्टेपिंग होती थी, क्योंकि हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाए, लेकिन वहां भी मान सम्मान के लालच। तो ये जो डिफेक्ट है, इसके साथ साथ ही मैं चल रहा था। अब मुझे ये भी पता चला फिर प्रोग्राम में कि ये डिफेक्ट और मेरी रिकवरी दोनों एक साथ चलेंगे, जैसे जैसे जो जो चीज जो चीजें मुझ पर हावी होते जाएंगी ना, उसका असर ज्यादा रहेगा मेरे जीवन पे, मेरे कर्मों पे। अगर प्रोग्राम में ले रहा हूँ, प्रोग्राम पर चल रहा हूँ, तो जीवन में पॉजिटिव चीजें दिखती जाएंगी, लेकिन अल्कोहलिज्म ने इफेक्ट दिखाया, मैंने प्रोग्राम की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो शराब से दूर रहने के बाद भी दुखी रहूंगा। ये एक जोरदार चीज मेरे समझ में आई कि शराब से तो दूर हो, फिर दुखी क्यों हो,
मैं स्टेप भी ले रहा हूँ, फिर तकलीफ क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यार गड़बड़ है, मजा नहीं आ रहा जीवन में? तो इसका जवाब मुझे यहाँ पर मिला स्टेप में, कि वो इसलिए कि अल्कोहलिज्म अब मैंने समझ लेना चाहिए कि भारी पड़ रहा है, वो जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है वो मेरे पे भारी पड़ रहा है। और वो कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट है वो मुझे ढूंढने की आदत ये स्टेप में ही मौजूद है। 10वां कदम हमारा ऐसा कदम है कि मैं रोज की जब पर्सनल इन्वेंट्री लेता हूँ ना, तब मुझे पता लगता है कि आज मैंने क्या क्या लफड़े किए, आज मैंने अपने लालच के चक्कर में कितने लोगों को उल्टा सीधा बोल दिया, कितने लोगों को दुखाया, कितने लोगों से मैंने छीना झपटी की। तो ये रोज जब मुझे पता चलता था, उसको मुझे पता चला कि ये जो परिणाम है ना, ये मेरे गलत कर्मों के परिणाम ये है ये सामने। यानी दूसरी भाषा में अल्कोहलिज्म का असर, अगर मैंने इसको कम करने की निरंतर कोशिश नहीं रखा चालू, तो अल्कोहलिज्म कभी भी किसी भी स्टेज में, एक किसी भी उम्र में, एक ही उम्र, मेरी उम्र नहीं, मैं कितने भी साल सोबर हो जाऊं दुखी रहूंगा। शराब से दूर रहने के बाद भी, सारा चीजें कमाने के बाद भी, पैसा भी आ जाएगा, माल मत्ता आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें खरीद भी लूंगा, भौतिक चीजें, फिर भी मुझे अंदर से, जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस सेरेनिटी की बात करता है, उस सेरेनिटी नहीं मिल पाएंगी, मन की शांति, मन की प्रसन्नता। अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे निरंतर स्टेप्स के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, साथ में ये भी देखते रहना पड़ेगा कि मेरा अल्कोहलिज्म कहाँ कहाँ मुझे बार बार मार कर मारता है और वार करता है। ये आदत मुझे पड़ी। और एक बहुत अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि एक जोरदार हादसा हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मैं आज, हालांकि मेरी बीवी बोले कि वो इसको जिक्र मत करना, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देना, शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में नहीं, नाम भी नहीं लूंगा लोगों को। फिर ऐसे हालात में ऐसा हुआ कि पायनियर ग्रुप जो था हमारा, नागपुर का सबसे पहला ग्रुप, 25 साल पूरे हो रहे थे, और इस 25 साल के हम पूरा हिंदुस्तान भरे के लोग आने वाले थे, जीएसओ समेत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद रहने वाली थी। तो उसके लिए हमने पहले से तैयारी की थी, सस्ते का जमाना था, जब मैं आया तो 25 पैसे की चाय थी। लेकिन जब 25 साल हो गए अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, तो वहां पर हमको पैसों की तो जरूरत पड़ने वाली थी, तो हमने 5 साल पहले से ही थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन करके, 5 5 रुपए हम एक एक मेंबर से लेते थे, वो जमा करके हमारे पास 10,000 रुपए हो गए, और हमको 25वीं एनिवर्सरी मनाना। ऐसे हालात में हुआ ये कि हमारे कुछ भाई लोग, दूसरे भी ग्रुप बहुत सारे तैयार हो गए थे, उन्होंने एक नई चीज सामने लाई थी कि वो बोले कि भाई इंटर ग्रुप 25 साल मनाएगा, 25 साल की एनिवर्सरी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति को या संस्था को 25 साल हुए ही नहीं, मैं जब 10 साल का था, यानी पायनियर ग्रुप जब 10 साल का हो गया, तब हमने इंटर ग्रुप चालू किया था, यानी इंटर ग्रुप को 15 ही साल हुए थे, तो 15 साल में 25 साल कैसे मनाया मना सकता है? 25 साल तो पायनियर ग्रुप मनाएंगे ना, लेकिन हमारा पायनियर ग्रुप ही ये चीज बोल रहा था, बाकी के सारे ग्रुप ये बोल रहे थे कि हम सब मिलके मनाएंगे, इंटर ग्रुप मनाएगा। ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हमने कॉमन मीटिंग भी रखी सबकी, और मैंने सवाल भी पूछे कि भाई 25 साल किसको हुए, पायनियर ग्रुप को भी इंटर ग्रुप को? तो पायनियर ग्रुप को तो हुए थे, लेकिन मना वो रहे थे, ये कैसा? ये समझ में नहीं आ रही थी बात। और उस वक्त मुझे, मैं बहुत भयानक मानसिक परिस्थिति में से मैं गुजर रहा था, उस वक्त ये लग रहा था कि यार सच्चाई के ऊपर चलने वाली जो बात है ना, यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में काम में नहीं आ रही, ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। हालांकि खैर उन्होंने 25वीं एनिवर्सरी मनाई, फिर उसके बाद में हमने भी मनाई, दोनों एनिवर्सरी बहुत अच्छे तरीके से हुई। लेकिन मेरा जो विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर से भी, इस घटना से बड़ी जोरदार घटना थी है मेरे लिए। और ए पर से भी मेरा विश्वास उड़ने उड़ने लग रहा था। ऐसे हालात में एक और घटना हुई कि मेरे स्पॉन्सर गुजर गए, मेरा सहारा भी छिन गया था,
मेरी जो इमोशनल चीजें है, जहां मैं बार बार शेयर करके मुझे हेल्प लेता था, वो भी निकल गए थे। तो ऐसे हालात में मुझे नया स्पॉन्सर बनाना पड़ा, और वो नया स्पॉन्सर बहुत अच्छा निकला। वो भी मेरे स्पॉन्सर के टक्कर के ही थे। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और ये मेरे ही नहीं, आप सब लोगों के भी काम में आएंगे। उन्होंने बताया था कि ये दुनिया ऐसी है बाबू, दुनिया ऐसी चलेगी, कुछ उल्टे कुछ सीधे, ऐसे लोग मिलते जाएंगे, कुछ सच कुछ झूठ, ऐसा मिला के दुनिया बनी हुई है। अगर तुमने इसका इफेक्ट अपने मन के ऊपर लिया तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज को सीरियसली लेना बंद करो, सीरियसली लेना ही नहीं। अपने दिमाग, जब आप अपने कान से सुनते हो या आंखों से देखते हो, तो दिल के अंदर उसको जाने ही नहीं देना, उसको बाहर ही फिल्टर करना कि वो दिल में जाने के लायक है कि नहीं, और अगर है तो ही उसको दिल में रखना, बाकी की चीजें बाहर कर देना। तो ये चीज मुझे इतनी अच्छी उनसे सीखने को मिली, वो मेरे नए स्पॉन्सर से, कि वो मैं हमेशा के लिए मेरे जहन में आ गई। अभी मैं कोई भी चीज सीरियसली लेता ही नहीं, यानी मेरे डिस्टर्बेंस की जो लाइन है वो मैंने कट किया था वहां से। मैं डिस्टर्ब होना ही मैंने बंद कर दिया था, कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो अगर मुझे गलत भी बोलता है, मुझे तकलीफ भी देता है, तो भी मैं सीरियस नहीं होता था। पहले छोटी छोटी बात में मैं डिस्टर्ब हो जाता था, किसी ने थोड़ी गॉसिप कर दिया तो मुझे लगता था मैं तो ऐसा किया नहीं, फिर इसने गॉसिप क्यों किया, मैं उसके ऊपर भिड़ जाता था। लेकिन ये बात जब से आ गई, तब मुझे समझ में आया कि भैया मुंह उसका है जबान उसकी, अगर वो गॉसिप में सच बोल रहा है तो मैं अपने आप को ठीक करूं, और अगर झूठ बोल रहा है तो मैंने उसको छोड़ देनी चाहिए, उसके तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि वो गलत बात है, बात सही नहीं है। मैं अब उसके पास जाऊंगा, तूने ऐसा क्यों बोला भाई, ये तो बात गलत है, यानी बहसबाजी शुरू हो जाएगी, मेरा जो कीमती वक्त है वहां खराब हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को जो कुछ भी बोलते हैं उनको बोलने देना चाहिए। और ये भी बात पता चली कि मेरा आगे का जो भी सफर है, ये इन लोगों के बोलने से तय थोड़ी होगा, अगर वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं उन्हीं की मर्जी से चलता ना, लेकिन उनके मर्जी से मेरा जीवन चल रहा है क्या? मेरा जीवन तो ऊपर वाले की मर्जी से और मेरे कर्मों के बदौलत चालू है ना, तो मैं उनकी ज्यादा क्यों सुनूं भाई? अगर कोई गलत भी बोलता है तो उसको छोड़ दो। ये बहुत खूबसूरत चीज मुझे सीखने को मिली, और मैं वहां से वैसा ही करने लगा, और उसके बाद मैं कभी वापस मेरा ऊपर वाले पे वाले से विश्वास नहीं आता। इस घटना से वो जो मेरे नए स्पॉन्सर थे, उनके जरिए मेरा विश्वास और बढ़ा ऊपर वाले पे, और मेरे जो भी ये समस्याएं थी वो निकल गई। एक बहुत बड़ी समस्या और मेरे जीवन में आई थी, जब मेरी मेरी शादी 1982 में मैं आया, 8 साल के बाद, यानी 90 में मेरी शादी हुई। उसके बाद में 93 में मुझे एक बेटी पैदा हुई जो मेंटली रिटायर्ड थी। ये झटका मेरे लिए बहुत बड़ा था, मुझे डर भी लग रहा था। और मेरा एक बाहर का दोस्त है जो नॉन अल्कोहलिक था, लेकिन मेरे सारे एक्टिविटीज उसको पता थी, मेरे साथ वाला ही था वो। उसने मुझे एक सेंटेंस बोल के बहुत डरा दिया था। वो मुझे बोल रहा था कि बेटा तूने बहुत बात किया है अपनी जिंदगी में, बहुत लोगों को तकलीफ दी है, बहुत लोगों को तूने हरास किया है, बहुत लोगों को टॉर्चर किया है, इन सारी चीजों का बदला ऊपर वाले ने ये तेरे को बेटी दे के ले लिया, अब तेरे को सारी जिंदगी इसकी सेवा करना पड़ेगा, ये जब जब तड़पेंगी, जब तक जितनी इसको तकलीफ होगी उतना तू भी तड़पेना, तेरे को भी तकलीफ होगी। ये चीज जब मैंने उससे सुनी तो इतना डर लग रहा था मुझे, इतनी अच्छी सोसाइटी में भी, इतना अच्छा एम में चल रहा था, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था कि साला ये ऐसा कैसा कर दिया यार ऊपर वाले ने अपने साथ। तो मुझे मेरे इस सवाल का जवाब, मुझे मन शांति कहीं नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने बताया कि फादर लोगों का आना जाना चालू रहता था, तो इस सवाल का जवाब मुझे एक फादर ने दिया, यानी जवाब तो बहुत सारे आए, लेकिन
मेरा मन समझने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब वो फादर आए और उन्होंने ये जवाब दिया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताया था कि ये जो चीज है दरअसल ये ऊपर वाले का प्रसाद है, ये सबको मिलता नहीं है, ऊपर वाले ने अपनी धरोहर तुमको दी है। और तुमको क्यों दी है? तुमको इसलिए दी है कि तुमको मानसिक रूप से एए में भेज के ऊपर वाले ने पहले से ही इस चीज को तैयार कर लिया है, ये चीज सहने के लिए आप तैयार हो, ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको झेलने के लिए तैयार हो आप, एक कदम कर रहे हो, इसलिए आप मानसिक तौर पे तैयार हो। ये ऊपर वाला जानता है, दूसरे को क्यों नहीं दिया, आपके भाई को क्यों नहीं दिया ये लड़की, वो लोग तैयार नहीं है, वो ए में नहीं जाते, उनमें एक शक्ति पैदा नहीं हुई है, ये 12 कदमों की जो शक्ति है ये उनमें नहीं है, आप में आ गई है, इसीलिए ऊपर वाले ने ये दिया है। और इसको समझो, इसका प्रसाद समझ के इसको अच्छे से, एक धरोहर है ऊपर वाले की, उसको अच्छे से रखो। और ये सुन के मैंने बहुत दिन सोचा इसके ऊपर और बहुत ताकत मिली उनके ये बोलने से, और वहां से फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो, बहुत जोरदार। उस बेटी, वो जो मेरी बेटी थी जब पैदा हुई, वो आज भी बड़े अच्छे तरीके से है, लेकिन वहां से मैं ये सोचने लगा कि आज तक मैं जो भी कुछ करता था सोबराइटी में भी, मैंने कई लोगों को उल्टा सीधा बोला, ऑफिस में भी कई लोगों से झगड़े किए, लफड़े किए, मैं किसी से डरा नहीं, मैं डरता ही नहीं था किसी, कुछ भी कर डालता था। लेकिन अब अगर मैंने ऐसा किया और मेरी नौकरी चली गई, तो इस उम्र में मुझे दूसरी नौकरी कैसी लगेगी, इतनी तनख्वाह वाली? अच्छा नौकरी चली गई तो मेरा तो छोड़ो, ये लड़की का क्या होगा? ये लड़की जिसको कुछ नहीं समझता, जो अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो सकती, इसका क्या होगा? ये सोच के ही धीरे 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 मेरे बिहेवियर में चेंज आने लगा। हालांकि कदम तो मेरे साथ सहारे के तौर पे थे ही, लेकिन इस घटना से मेरे जीवन में बड़ा चेंज आया। और फिर धीरे 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 मैं एक इंसानियत वाले रास्ते पे चलने लगा। और यहाँ मुझे ये चीज पता चली कि जो जिस चीज को मैं बुरी चीज समझता हूँ ना, जो मेरे जीवन में घटित होती है, वो दरअसल मेरे भलाई के लिए होती है, ये मुझे ये इस घटना से समझ में आया। और जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है, उस दिन या उस वक्त मुझे वो चीज बुरी जरूर दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज अच्छी होती है, क्योंकि वो उसमें ईश्वर की इच्छा मौजूद होती है, वो ईश्वर मेरे साथ वो चीज करता है, इसीलिए ईश्वर के इच्छा के ऊपर और मजबूत होते हुए मैं आज, मेरी वो बेटी को बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है हर जगह से, हमारा तो है ही, लेकिन अभी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। उससे मुझे ये भी लगा फिर कि हमारे बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे, उसके माँ बाप, तब इसका क्या होगा? तो उसके लिए जो दूसरी बेटी है उसको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो नहीं चाहते हुए भी उसको अपने पास उसको वो रख पाए और सारी जिंदगी उसकी सेवा कर सके। इसके लिए दूसरी बेटी, वो भी उसी बेटी के कारण मैं कर पाए। और इसमें ये सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पूरा के पूरा ऊपर वाले का सपोर्ट है। ये जो मैंने बोला ना, मैं कर पाया, मैं कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इसलिए आया कि नहीं, मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, मैं कोई भी चीज, मैं तो शादी भी करने वाला नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें जो मेरे जीवन में घटते आ गई, ये सारी चीजें ऊपर वाला अपने तरीके से मेरे हाथ से करवा रहा है, ये मुझे पता चला। और मित्रों अंत में सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि अगर मैं इस प्रोग्राम पर नहीं होता, अल्कोहलिक्स अनॉनिमस, तो शायद मैं तो बचता ही नहीं, मेरे परिवार का क्या होता पता नहीं, परिवार भी लंबा हो गया रहता, शादी भी नहीं हुई रहती मेरी, आज मेरे जो 4 भाई एक बहन हमारे साथ थे ना, उनमें से वो मेरे 3 भाई और मेरी बहन भी गुजर चुकी है, हमारे सीरीज का सिर्फ इकलौता मैं जिंदा हूँ, मैं अकेला बचा हुआ हूँ।
बाकी मेरे भाइयों के बच्चे अच्छे सब, यानी दूसरी पीढ़ी जिसको बोलते हैं, मेरे पीढ़ी में मैं इकलौता जिंदा हूं। तो ये जो मेरा जिंदा रहना, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर मानता हूँ, इसलिए मैं एक वो क्रेडिट देता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। उसका कारण सिर्फ अल्कोहलिक्स अनानिमस का प्रोग्राम, सिर्फ अल्कोहलिक्स अनानिमस का मैसेज है और ऊपर वाली की कृपा है मेरे जिंदा रहने में या अच्छा चलने में, जीवन के अच्छा चलने में। मेरा अपना कुछ भी हाथ नहीं। और बहुत सारी शेयरिंग में आया कि भाई मैं अभी तक, हमेशा लोग बोलते हैं कि आप अभी तक आते हो, आ रहे हो अल्कोहलिक्स अनानिमस, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए प्रेरणा है, ऐसा है वैसा। लेकिन मित्रों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा कहाँ। अगर मैं कहीं पर भी गया तो मुझे ये का प्रोग्राम सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा कहाँ? दूसरी कोई दुनिया नहीं है जहां ये हो, ये तो है ना जगह। और सोने में सुहागा तो ये हो गया कि अभी कोरोना आ गया, कोरोना को दुनिया के लिए मुसीबत आई होंगी, मेरे भी घर में मुसीबत बन के आया था कोरोना, लेकिन उसमें से ऊपर वाले ने निकाल दिया और ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई। इतनी बुराइयों में भी अच्छा है, ये सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। आज देखो इतने सारे लोगों से जो मुलाकात हो रही है, दूर दूर के लोग जो भी बैठे हुए हैं, इन सब लोगों से सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग के कारण मिल पाए, नहीं तो हम सारी जिंदगी नहीं मिल पाते, जानते भी नहीं एक दूसरे को कि हम है कौन। अभी आजकल होता ही है कि मैं 41 सालों में इतनी शेयरिंग कर चुका हूँ कि मुझे शेयरिंग करने का भी बहुत जान पे आता है। तो मैं बहुत सारे ग्रुपों में भी नहीं जाता, फिजिकल मीटिंग में। किसी बर्थडे बॉय ने बहुत इंसिस्ट किया मुझे, कोई मैं जाता हूँ, अन्यथा मैं शेयरिंग करना टालता हूँ। अभी उस पर भी कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप शेयरिंग करें करते हैं तो बहुत लोगों को फायदा मिलता है, ऐसा वैसा। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मैं कितनी बड़बड़ करूंगा? मैं रोज ही बड़बड़ करता रहूंगा, रोज ही कुछ बोल, मैं थकूंगा कि नहीं? और बोलूंगा क्या आखिर में? वही वो चीजें बोलूंगा ना, घुमा फिरा के, वही चीजें हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ए में मैंने सर्विस बहुत की है। और एक बहुत अच्छी चीज, तो फादर टू, मैं जब खाली रहता था, फादर टोनी जो थे वो मेरे 5th स्टेप स्पॉन्सर थे, वो अक्सर क्या करते थे, मुझे उनके फादर लोगों की रिट्रीट होती थी, तो जो फादर लोगों की रिट्रीट थी ना, उसमें मैं खाली रहता था 12 बजे के बाद, उनको पता चल गया था, तो वो मुझे बोलते थे कि तू हमारे साथ चला कर। तो उनकी रिट्रीट होती थी 3 3 दिन की, हमारे इधर एक लाल बिल्डिंग है वो अभी भी है, वो चर्च की प्रीमाइसेस है, वहां पर पूरे हिंदुस्तान भर के फादर लोग आते थे और सबकी अलग अलग विषयों पे जो चर्चा होती थी, उनको मनोविज्ञान समझता है फादर लोगों को, और कैसा वो ज्यादा अच्छे से सर्विस दे सकते हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम, ये सारे विषय वहां डिस्कस होते थे। तो मुझे इतना अच्छा सीखने को मिला। और बाद में हमारे जो फादर टोनी ने बोला कि ये चीज, ये रिट्रीट आप एक ही भी ले सकते हो। तो जब हमने ए में प्रैक्टिस की, पहली रिट्रीट हमारी पचमढ़ी में हुई थी, एमपी में एक छोटा सा गांव है, छोटा सा वो टेकड़ी पर गांव है, पचमढ़ी पहाड़ी एरिया है, वहां रिट्रीट हुई हमारी। मैं बिल्कुल नया था और उस वक्त के सारे सीनियर मेंबर्स मौजूद थे उस रिट्रीट, जॉन एल, विनय पी, सब जितने भी नागपुर के लोग थे, विश्वनाथ, निनाद पी, बापू के, और मैं भी था। एक एडवोकेट शेरीफ करके भी थे, वो भी बहुत पुराने मेंबर थे, तो उन्होंने वो अरेंज किया था वहां। उसके बाद में हम लोगों ने रिट्रीट का सिलसिला किया, जो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि एक वो जो कहीं सोबर नहीं होते थे ना, वो रिट्रीट में सोबर होते थे। और उन्होंने छोटी छोटी जो चीजें मैं वहां सीखी थी वो रिट्रीट में, वो अप्लाई करने को उन्होंने, वो फादर टोनी ने जो बताया था वो हम वहां करते थे। वहां हम शेयरिंग के अलावा मेडिटेशन लेते थे, थोड़े 10 मिनट का जो मेडिटेशन होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मेडिटेशन क्या होता है, और 250 300 लोग बैठे और एक साथ पिन ड्रॉप साइलेंस है वो 10 मिनट में, ये बहुत बड़ी बात होती थी। उसमें ईश्वर के दर्शन भी हो जाते थे।
और हर विषय पे अलग से चर्चा, हर विषय पे अलग से क्वेश्चन आंसर। तो मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, जब मैं 12th स्वीपिंग करता था ना, तो मैंने लोगों की बहुत दयनीय स्थिति देखी। उतनी दयनीय स्थिति मेरी तो नहीं हो गई थी, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को मैंने बहुत, मेरे आंखों के सामने मरते हुए देखा है। हमने मैसेज दिया, उसने सुना नहीं। कुछ लोग तो दूसरे ही दिन मर गए, दूसरे ही दिन, जिस दिन हमने 12th स्वीपिंग किया, दूसरे दिन मर गए। तो वो जो स्थिति, उनका परिवार बिखर गया, आड़ा टेढ़ा हो गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि यार, मैं जितना कर सकता हूँ ना अपने तरफ से उतना करूँ। अगर वो जिंदा होता तो शायद आज उसका परिवार ठीक हो सकता था। तो हम लोग फिर से हम फीडबैक लेते थे कि हमारी क्या गलतियां हो रही है, हम 12th स्टेपिंग में कहाँ कम पड़ रहे हैं, मैसेज क्यों कैरी नहीं हो रहा ठीक से, लोग क्यों सोबर नहीं हो पा रहे। तो एक्चुअली ये तो सही है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऊपर वाली की संस्था है। ऊपर वाला चाहे उसको सोबर कर सकता है, जिसको नहीं चाहेगा वो सोबर नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे प्रयत्न हम अपने तरीके से कितने अच्छे तरीके से करें, ये बेहतर तरीके से मुझे सीखने को मिले। अभी कुलदीप भाई ने थोड़ी देर पहले ट्रेडिशन की बात की थी, बहुत सही है। ट्रेडिशन पे मैं हमेशा शेयरिंग करता था, करता हूँ। ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से समझता हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेडिशन तोड़ते रहते हैं, हमारे यहाँ भी तोड़ते रहे, आड़े टेढ़े तरीके से। कभी कभी दुख भी होता है। शुरुआत में मुझे बहुत दुख होता था और मैं उनके ऊपर बहुत जम के झपट जाता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, इसमें ए का नुकसान हो जाएगा, ए गलत, ए को पूरा गलत मैसेज चला जाएगा, ऐसा वैसा। और इसमें एक चीज मैंने देखी कि मेरे ही रिलेशन खराब हो जाते थे, और वो व्यक्ति सुधरता नहीं था। जिसको मैं ये चीज बता रहा हूँ, जिसने ट्रेडिशन तोड़ा है, वो अपने ढंग से ही चलता था, उसको जो करना है वही, लेकिन रिलेशन मेरे खराब हो जाते थे, मेरे रिजेंटमेंट तैयार हो जाते, मेरे मन में उसके प्रति रिजेंटमेंट आ जाते। नतीजा ये होता था कि वो मेरे सामने आया तो मैं बात करने को नहीं देखता था। तो स्पॉन्सर से जब चर्चा हुई तो मुझे ये पता चला कि अननेसेसरी मैं किसी से भी रिलेशन खराब करके अपने अंदर रिजेंटमेंट क्यों पैदा कर रहा हूँ यार, उसको छोड़ दू। तो जो कुछ भी करता है उसको करने दू, मुझे, मैंने गलतियां किया है, लोगों ने सहन सहन किया है ना, बर्दाश्त किया है ना। आज वो गलतियां कर रहा है कोई व्यक्ति या कुछ लोग, तो उनको गलती करने दो। आज नहीं तो कल वो सीधे रास्ते पे आ ही जाएंगे, क्योंकि संस्था मेरी नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मैं बचाने वाला नहीं हूं, ना मैं इसका रक्षक हूं। अरे, जो सारी दुनिया की रक्षा कर रहा है, उसकी संस्था की रक्षा मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। इसलिए लोगों को गलती करने देने का पूरा हक है, उनको गलती करने दो, उनको अपने गलती से सीखने दो। मैं हूं ना, अगर उन्होंने कोई गलती की, उनको लगा कि मुझे पूछना चाहिए, तो मैं बताऊंगा। मैं जबरदस्ती जाके उनको कि मैं भैया सीनियर आदमी हूं, मेरे से पूछो, आप गलती कर रहे हो या ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एक का नुकसान हो जाएगा, ये सारी चीजें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने रिलेशन बिगाड़ लूंगा। वो सुधरने वाला नहीं है, उसको जब सुधरना है तभी सुधरेगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज समझ में आ गई कि जब तक मुझसे कोई पूछता नहीं, तब तक मैं किसी को भी जाके अपनी राय ना दू, अपनी सलाह ना दू, अपनी शेयरिंग में भी सिर्फ काम की चीज बोलू, ऐसी कोई चीज ना बोलू जिससे किसी को पिंच हो और वो ए में आना बंद कर दे, या उससे उसके मेरे रिलेशन खराब हो जाए। इन सारी चीजों का अगर मैं ध्यान रखता हूँ मेरे जीवन में, और ये चीजें सीखने के लिए मुझे, मित्रों, शायद आप लोग जल्दी सीख गए, मुझे बहुत साल लग गए, मैं बहुत गधा आदमी था, बहुत साल लग गए ये सीखने के लिए। और ये सीखा, लेकिन मजबूती से आज मैंने पकड़ ली है इन चीजों को, कि अब मुझे ऊपर वाले की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अभी भी मैं आप लोगों से, अभी आता इसलिए हूँ कि आप लोगों से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती है। रोज रोज नए मित्रों से मुलाकात होती है, रोज नए नए लोग देखने को मिलते हैं, उनसे कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे पिछले 41 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आगे भी जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे बर्दाश्त करते रहिए, और मुझे हमेशा साथ दीजिए सोबर रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय। आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद।